तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। ये हमारे प्रिय मित्र दुर्गा सेफ, चाइनीज़ के सीढ़ी की सेफ हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आज ये बनाए हैं पेवर शुद्ध भोजन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं लिट्टी और चोखा। हमारा प्राचीन भोजन है ये दोस्तों, खा सकते हैं सर आप इसका मजा। तो दुर्गा सेठ, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? तो दुर्गा सेठ बताइए कुछ इसके बारे में, लिट्टी चोखा के बारे में आप बताइए कुछ। लिट्टी चोखा का तो दुर्गा सेठ बताइए कुछ लिट्टी चोखा के बारे में। सर लिट्टी चोखा का कारण ये है कि बहुत ही अच्छा शुद्ध और बहुत प्यारा भोजन है। हाँ सर, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ओके, हम सोचे महाराष्ट्र में कुछ बना के फेमस करते हैं। ओके ओके, लिट्टी और चोखा बढ़िया से खिलाएंगे, देसी घी में बनाएंगे, डुबाएंगे, इसका चोखा बनाएंगे स्पेशल, राई का तेल वगैरह डाल के। और जैसे कि सेब, आपको पता है कि हमारे इंडिया का ये प्राचीन भोजन है। हाँ सर, हाँ सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा भोजन है और इसको प्यार से लिट्टी चोखा भी कहते हैं। हाँ हाँ सर, वही बोलते हैं। बिहार में बहुत फेमस सर, बहुत 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 ज्यादा फेमस है सर। तो थैंक यू सो मच सर इसका रेसिपी बताने के लिए। सर वेलकम। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग ट्राई करेंगे लिट्टी और चोखा। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ट्राई करेंगे इस डिश को। तो दोस्तों जुड़े हैं हमारे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।